मेरे जीवन में अपनी आकर्षक खुशबू फैलाने के लिए धन्यवाद। ऐसा तो कह रही हैं इमली अथर्व से। तो चलिए पता कर आते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में। क्या फिर से ले रही है कहानी कोई नया मोड़, या हो रही है यहाँ पर प्यार की बरसात। अथर्व की कश्मकश, इमली की असमंजस, प्यार से इकरार भी, प्यार से इनकार भी। प्लस की सीरियल इमली में आज है चीनी और अभिषेक की हल्दी की रस्म, और उस रस्म में शामिल होने के लिए अथर्व तैयारी कर रहे हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनके कुर्ते का बटन टूटा हुआ है। बस फिर क्या, वो खुद ही सुई धागा लेकर अपने कुर्ते का बटन सिलने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ से इमली भी आती है, लेकिन उसने फैसला कर लिया है कि अब वो अथर्व से दूरियां बनाकर रहेगी। इसीलिए वो अथर्व की बिना मदद किए वहाँ से चली जाती है। बहुत सारे कन्फ्यूजन में थी कि इमली चाहती तो है बहुत, मतलब हमेशा ही हेल्प करे वो अथर्व की, पर वो नहीं करना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चक्कर में इमली खुद मूव ऑन नहीं कर पा रही है। और ये जो दोस्ती है, दोस्ती तो है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वो प्यार है, तो कई कई बार वो दोस्ती का लिमिट जो क्रॉस हो जाता है, तो उसी चीज़ को वो मतलब रखने के लिए वो तय करती है कि कुछ भी हो जाए, अभी मुझे जो भी हेल्प करना है मैं दूर दूर से करूँगी, और ये घर छोड़ के मुझे जाना ही है तो मैं वैसे ही करूँगी। तो मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि जितना हर चीज़ में घुस घुस के हेल्प करना, ये कहीं ना कहीं एक बुरी आदत पड़ जाएगी मेरे लिए भी और अथर्व जी के लिए भी। इसलिए वो हेल्प, अथर्व जब हेल्प मांग रहा होता है वो नहीं जाती है, ताकि उनको भी ये आदत से छुटकारा मिले और मुझे भी। तुम सुबह से कहाँ बिजी हो? मुझसे बात करने के लिए 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास? अथर्व जी, आज शाम को शादी है, दुल्हन की बहन को 2 मिनट रुकने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती इमली। जो लड़की मुझे सेव करने के लिए आग में कूद जाती है, मुझसे बात करने के लिए 2 मिनट नहीं उसके पास। इमली ने तो फैसला कर लिया है अथर्व से दूरियां बनाने का, लेकिन किस्मत बार बार उन्हें नजदीक ले ही आती है। नहीं अथर्व जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो तुमने मेरे कुर्ते का बटन क्यों नहीं लगाया इमली जी? यू नो व्हाट, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने जब से मेरी लाइफ संभाली है ना, मैं हर छोटे बड़े काम के लिए सिर्फ तुम्हें ही ढूंढता हूँ। तो ये सारा काम हमारे बिना करने की आदत डाल लीजिए अथर्व जी। मुझे तुम्हारी जरूरत है इमली। असल में चीनी की हल्दी की रस्म में चीनी प्लान तो करती है अथर्व के साथ हल्दी की रस्म को निभाने की, इसीलिए वो फ्रेश हल्दी की डिमांड करती है, जिसके चलते इमली को अपने मौसी जी के पास जाना पड़ता है। तभी इमली को पता चलता है कि इस हल्दी में पत्थर मिले हुए हैं, और वो चीनी के प्लान को समझ जाती है। बस फिर क्या, इमली अपनी होशियारी से असली हल्दी को पीस कर फटाफट ले जाती है हल्दी की रस्म में, लेकिन वहाँ किस्मत खेल देती है खेल और मिला देती है इमली और अथर्व को। देख ही सकते हैं कितनी तैयारी की गई है, इतनी सुंदर सजावट हुई है, सब लोग इतना अच्छे से रेडी हुए हैं, एंड मैं रेडी होके आई हूँ, क्योंकि मेरा तो मोटिव क्लियर है कि मुझे हल्दी किसके साथ सेलिब्रेट करनी है, तो बहुत तैयारियाँ की है। जो हल्दी इमली और रूपी कूटने वाले हैं वो हल्दी है ही नहीं, वो पत्थर है। सिर्फ बेसिकली चीनी उसका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि वो खुद चुपके से या सबके सामने जाके आटों के साथ हल्दी सेलिब्रेट कर ले, ताकि इमली आउट
चीनी। मुझे चीनी की प्लानिंग समझ आती है कि चीनी चाहती है कि इमली अथर से दूर रहे, क्योंकि मैं आसपास रहती हूँ तो उसका प्लान धरा का धरा रह जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। इसी वजह से वो चाहती है कि अगर थोड़े टाइम के लिए सही, एक दो घंटे के लिए अगर इमली दूर रहेगी तो यहाँ पे वो फटाफट हल्दी सेरेमनी में अथर्व के साथ हल्दी मना लेगी, जो कि उसका टारगेट है। जैसे कि हल्दी है तो सब लोगों ने येलो पहना है, तो और उसके साथ ये हमारा थीम रखा है फूलों वाला गहना, देख सकते हो मांगटी का है, कान का है और हाथ का है, खूबसूरत सा लहंगा है। हल्दी ने तो जोड़ दिया है इमली और अथर्व का किस्मत कनेक्शन, लेकिन इस कनेक्शन से अथर्व और इमली दोनों ही अनजान हैं। अब देखना होगा कि क्या दोनों को अपने प्यार का एहसास होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आपको पता ही है, सास बहू और पेटियाँ।